बजरंग, विनेश और दूसरे पहलवानों ने खेल मंत्रालय से अमेरिका में ट्रेनिंग की इजाजत मांगी है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 गोल दागे और अपनी टीम को 4-0 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही सुनील छेत्री सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल दागने वाले 4थे खिलाड़ी बन गए। भारत के लिए कुल 138 मैच खेलकर 90 गोल करने वाले छेत्री ने मलेशिया के मुख्तार दहारी को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होगा। स्टेडियम में एलईडी फ्लड लाइट्स का नया सेट लगाया जाएगा, साथ ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्स को भी नया रूप दिया जाएगा। ये सारी तैयारी इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कर ली जाएगी। भारत के एक मैच के अलावा इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि वे एविएशन गेम्स ट्रायल के लिए अमेरिका के मिशिगन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इससे पहले इन खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स ट्रायल अगस्त में करवाने की मांग के लिए ये दलील दी थी कि उन्हें ट्रायल के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।